يا مصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वहद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं। करीम है, रहीम है, बादशाह है और बादशाहों का बादशाह है। सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी आज इस खूबसूरत महफिल में हम इकट्ठे हैं, जिनकी आज इस खूबसूरत महफिल में शेखुपुरा की सरजमीन पे हम इकट्ठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात, सबसे खुशनसीबी की बात कि रसूलुल्लाह की महफिल में इकट्ठे हैं और अपने मुर्शिद करीम की जियारत कर रहे हैं, अपने मुर्शिद करीम की जियारत कर रहे हैं। और AIYQ TV नाज़रीन इकराम आपकी खातिर प्रोग्राम बरकात मिलाद पेश कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ शहरों में आप अहबाब QTV के जरिए बरकात मिलाद समेट रहे हैं। जो अहबाब बरकात मिलाद का प्रोग्राम पहले दिन से देख रहे हैं, उन अहबाब को पता है कि इस प्रोग्राम में हम रोजाना मुख्तलिफ पहलुओं से हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की बरकात का जिक्र करते हैं, हुजूर के मिलाद की बरकात का जिक्र करते हैं। आज जो मेरा और आपका मौजू सुखन रहेगा, आज जिस मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा वो इस सिलसिले में करूंगा कि सरकार के मिलाद के बाद तो यकीनी तौर पर सारी खलकत ने सरकार के मिलाद की बरकत समेटनी थी। सरकार के मिलाद का तो मकसद ही यह था, सरकार को तो रब्बे करीम ने अगर दुनिया में भेजा तो उसका मकसद ही यह था कि मखलूक खुदा की झोलियां भरी जाएं, मखलूक खुदा का ताल्लुक खालिक हकीकी के साथ जोड़ा जाए। लेकिन आज थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से मैं आपसे बरकात मिलाद का जिक्र करूंगा। आज मैं बरकात मिलाद का इस तरह आपसे जिक्र करूंगा कि सरकार का मिलाद तो 1500 साल पहले हुआ, तकरीबन कमो बेश 1500 साल कबल हुआ, लेकिन सरकार के मिलाद से पहले मखलूक खुदा ने बरकात मिलाद किस तरह समेटी। सरकार के मिलाद से पहले मखलूक खुदा ने बरकात मिलाद किस तरह समेटी, बरकात मिलाद किस तरह समेटी। नाज़रीन इकराम और हाज़रीन इकराम, जब इस कायनात को रब्बे करीम ने बनाने का इरादा फरमाया, जब रब्बे करीम ने कायनात को बनाने का इरादा फरमाया, मखलूक को बनाने का इरादा फरमाया, उससे पहले आलम अरवाह में रूहों का तख्लीक फरमा के रब्बे करीम ने एक जलसा तौहीद फरमाया, एक जलसा तौहीद फरमाया, उसमें हर खास आम को बुला लिया, हर खास आम को उसमें दावत थी। आप भी थे, मैं भी था, जितने दुनिया में आज तक आ चुकी रूहें वो सब भी मौजूद थे और कयामत तक जिन्होंने आना है वो सब भी मौजूद थे। हर खास आम को बुला लिया तौहीद के जलसे में। लेकिन उसके बाद रब्बे करीम ने एक रिसालत के जलसे का एहतमाम किया, कायनात का पहला मिलाद का जलसा, दुनिया में क्या कायनात का पहला मिलाद का जलसा आज से 1500 साल कबल नहीं हुआ, बल्कि कायनात को तख्लीक फरमाने से पहले रब्बे करीम ने उसका इनकाद फरमाया था, रब्बे करीम ने उसका इनकाद फरमाया था। उसमें हर खास आम को दावत नहीं थी, उसमें हर खास आम मौजूद नहीं था, बल्कि उसमें रब्बे करीम ने सिर्फ अंबिया की अरवा को इकट्ठा किया, सिर्फ अंबिया की अरवा को इकट्ठा किया। कमोबेश 1,24,000 अंबिया की अरवा को रब्बे करीम ने उस मिलाद के जलसे में इकट्ठा किया, मिलाद के जलसे में इकट्ठा किया खिताबत के लिए। रब्बे करीम ने खुद इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह को मसनद सदारत पे बिठाया, सब अंबिया को मजमे की सूरत में आगे बिठाया, सब अंबिया को रसूलुल्लाह का चेहरा बताया, चेहरा दिखाया और रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाया ताकि इनको सरकार के चेहरे की आशनाई हो जाए, सरकार का चेहरा
چہرہ دکھا کے انبیاء کو مخاطب فرمایا, فرمایا دیکھ لو اس چہرے کو, اس چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا لو کہ تم میں سے کسی کی بھی نبوت کا دور ہو, تم میں سے کسی کی بھی نبوت کے ڈنکے بج رہے ہو, کسی کی بھی نبوت کا دور ہو, تمہاری نگاہ اٹھے کہ یہ تشریف لے آئے, تمہاری نظر اس چہرے پہ پڑ جائے تو وہ شریعت یا وہ کتاب جو میں نے تمہیں دے رکھی ہے اس کو چھوڑ دینا, اس کو بند کر دینا, اور جو یہ فرمائے اس کی پیروی کرنا, جو یہ فرمائے اس کی پیروی کرنا. ان کا ہم اثر سمجھ کے اپنے آپ کو نہیں, یا ان کا ہم اثر بن کے نہیں گویا کہ, بلکہ ان کی شریعت کا تابع بن کے, ان کی شریعت کا تابع بن کے, ان کے فرمان اور ان کے حکم کا تابع بن کے جو یہ فرمائے اس کی پیروی کرنا, اس کی پیروی کرنا. یہاں بات ختم نہیں ہوتی, یہاں بات ختم نہیں ہوئی. پھر اللہ کریم نے سب انبیاء کی ارواح کو رسول اللہ کے نور سے ڈھانپ لیا, رسول اللہ کے نور سے ڈھانپ دیا, سب انبیاء کے اوپر گویا کہ سرکار کے نور کی چادر بچھا ڈالی. انبیاء نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کس کا نور ہے, یہ کس کا نور ہے, یہ اتنا خوبصورت نور کس کا ہے جس کے نیچے تو نے ہم سب کو جس سے ڈھانپ رکھا ہے. رب کریم نے فرمایا کہ یہ میرے حبیب کا نور ہے, یہ میرے حبیب کا نور ہے, اگر تم سب ان پر ایمان لاؤ گے تب میں تمہیں نبوت عطا کروں گا, ان پر ایمان لانے پر میں تمہیں نبوت عطا کروں گا. سب نبی ہمارے آقا پر ایمان لائے, سب نبی تیرے اور میرے نبی پکے نور پر ایمان لائے, پھر اللہ کریم نے ان کو نبوتیں عطا فرمائی, پھر اللہ کریم نے ان کو نبوت عطا فرمائی. ایک تو یہ رسول اللہ کی برکت, پھر جب دنیا کا آغاز ہوتا ہے, جب دنیا کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, جب وہ معاملہ ہوا اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے, اس معاملے کے سبب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام برسوں سینکڑوں برس اللہ سے معافی مانگتے رہے, اللہ سے اس معاملے کی توبہ کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ کریم نے توبہ نہ قبول فرمائی, اللہ کریم نے توبہ نہ قبول فرمائی. آخر ایک دن انہوں نے کہا یا اللہ تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے. اللہ کریم چاہتا تو یہ پردہ ان پر پہلے اٹھا دیتا کہ وہ پہلے روز ہی رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے معافی مانگتے, اور اللہ کریم ان کو تیرے اور میرے نبی کے صدقے سے, رسول اللہ کے وسیلے سے معاف فرما دیتا. لیکن اتنا عرصہ جو ان پر رب کریم نے یہ باب نہ کھولا کہ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ ارے ایک دو سال تو دور کی بات ہے, عام آدمی کی کیا حیثیت ہے, اگر میرا سچا نبی بھی سینکڑوں برس مجھ سے معافی مانگتا رہا, میں نے معاف نہ کیا, اگر معاف کیا تو محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے کیا, تو جب نبی کی توبہ میرے نبی کے وسیلے کے بغیر وہ قبول نہیں فرماتا تو ایک عام انسان میرے رب تک نبی کے وسیلے کے بغیر کیسے پہنچ سکتا. یعنی یہ مقصد یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ دنیا جان لے کہ جب نبی سینکڑوں سال توبہ کرتے رہے, توبہ کو قبول نہ فرمایا, رسول اللہ کا ایک بار وسیلہ پیش کیا گیا, رب کریم نے توبہ کو قبول فرما لیا, تو تیرے اور میرے پہ یہ باب کھل جائے کہ رب کریم کی اگر کبھی بھی رضا چاہیے ہو, رب کریم سے کبھی بھی کچھ بھی چاہیے ہو, تو لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے, پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ اللہ کریم نے مخاطب فرمایا, اور حضرت عیسیٰ سے فرمایا کہ اے عیسیٰ میرے حبیب پر ایمان لے آؤ. حالانکہ حضرت عیسیٰ تخلیق کائنات سے پہلے ہی اس جلسہ رسالت میں ایمان لے آئے تھے, لیکن ہمارے شیخ جب درس ارشاد فرماتے ہیں تو بار بار ہمیں فرماتے ہیں نبی سے رشتہ مضبوط رکھو, نبی سے رشتہ مضبوط رکھو. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے رشتہ ہے تبھی تو یہاں آئے ہیں, ورنہ یہاں کیوں آتے, ورنہ یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ پتا چلا بار بار رسول اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا حکم دینا یہ اللہ کی سنت ہے. عیسیٰ میرے نبی سے رشتہ مضبوط کر لو, میرے نبی پر ایمان لاؤ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لاؤ. عیسیٰ نہ صرف خود ایمان
लाओ, बल्कि अपनी उम्मत को भी बोलो कि इन पे ईमान लाए। ना सिर्फ उम्मत को ईमान का बोलो, इसलिए बोलो क्योंकि अगर ये ना होते तो मैं आदम को तखलीक ना फरमाता, आदम ना होता तो कोई और बशर ना होता, अगर ये ना होते तो मैं जमीन ना बनाता, अगर ये ना होते तो मैं आसमान ना बनाता। तवील हदीस है यार, तवील रवायत है कि अगर ये ना होते तो मैं कुछ ना बनाता, कुछ ना बनाता। फिर बरकत मुस्तफा बताते हुए रब्बे करीब हजरत ईसा को मुखातब फरमा के फरमाता है, ए ईसा जब मैंने अपना अर्श बनाया पानी के ऊपर तो मेरे जलाल से और मेरे गजब से वो अर्श कांपा करता था, वो अर्श डोला करता था, वो अर्श कांपा करता था। ईसा मैंने क्या किया, मैंने अर्श पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिख दिया। जैसे ही अर्श पे मैंने रसूलुल्लाह का नाम लिखा, मेरे अर्श को करार आ गया, मेरे अर्श को करार आ गया। पता चला जहां भी रसूलुल्लाह का नाम आएगा वहां अल्लाह का गजब ठंडा हो जाएगा और वहां अल्लाह की रहमत के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, यहूद का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाता है कि आपसे पहले की उम्मतों में यहूद ने जब मुझसे मदद मांगनी होती थी, क्योंकि उस वक्त यहूद जो थे वो अहले हक थे, अहले किताब थे, अहले किताब थे। उस वक्त के यहूद अहले किताब और अहले हक थे, तो वो समझने वाले थे। जब उनको अल्लाह से मदद मांगनी हुई, जब उनको अल्लाह से मदद चाहिए होती थी, वो कुछ और ना करते थे, तौरात खोलते थे, अपने नबी का वसीला पेश नहीं करते थे। कुरान गवाह है, अपने नबी का वसीला पेश नहीं करते थे। तौरात अल्लाह की किताब थी लेकिन तौरात का वसीला पेश नहीं करते थे। रुलमाली में साहिब रुलमाली लिखते हैं कि वो तौरात खोलते थे और तौरात में से वो मकाम खोलते थे जिधर रसूलुल्लाह के मीलाद का जिक्र है, मीलाद के जिक्र का मकाम खोलते थे, वहां हाथ रखते थे और कहते थे या अल्लाह इस हस्ती के सदके से हमें कुफार पे फतह दे जिनके मीलाद का तूने जिक्र तौरात में फरमाया। अल्लाह उनको फतह दे देता था। मुबारक हो यहां पर हजारों की तादाद में रसूलुल्लाह का मीलाद मनाने वालों और क्यूटिनी पर पूरी दुनिया में बरकात मीलाद समेटने वालों, अगर कोई यहूदी मेरे नबी की विलादत से पहले मेरे नबी के मीलाद की बरकत मांगता था अल्लाह उसको फतह देता था, तो अगर कोई रसूलुल्लाह का उम्मती रसूलुल्लाह का मीलाद सजा के बरकत मीलाद मनाएगा तो उसका आलम क्या, तो उसका आलम क्या होगा, तो उस पर रब्बे करीम की इनायात का आलम क्या होगा। हजरत अब्बास ने और हजरत जाबिर ने अपने अशार में सरकार को नजराना अकीदत कुछ यूं पेश किया कि या रसूल अल्लाह कश्ती नूह जब तूफान नूह आया, कश्ती नूह को अगर किनारा मिला इतने खतरनाक तूफान से बचना मुश्किल होता है, अगर कश्ती नूह को किनारा मिला तो उसकी फकत यह वजह है कि नूह अलैहि सलाम के सुल्ब में आपका नूर जगमगा रहा था। जब तूफान नूह था कश्ती नूह ढोलना शुरू हो गई, अल्लाह के नबी हजरत नूह सजदा रेज होते हैं कि या अल्लाह मुझे बचा, हम इन्हें सबको बचा, मेरी उम्मत को इन सबको बचा। इस कश्ती में तो सिर्फ तेरे मानने वाले सवार हैं, सिर्फ तुझे मानने वाले सवार हैं, इस कश्ती को कुछ ना हो जाए। अल्लाह करीम की तरफ से वही आती है, ए नूह अपनी कश्ती पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिख दे। वो नाम लिखना था कि कश्ती नूह को किनारा मिल गया। किसी ने क्या खूब कहा है कि कश्ती नूह में नारे नमरूद में बतने माही में यूनस की फरियाद पर आपका नाम नामी है सल्ले अला हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। हजरत अब्बास आगे कहते हैं कि या रसूल अल्लाह जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो अगर उनको आग ने न जलाया तो फकत ये वजह थी कि उनके सुल्ब में आपका नूर जगमगा रहा था। यहां तक हजरत जाबिर ने कहा कि अगर हजरत इस्माइल अलैह सलाम के गर्दन पे छुरी न चल पाई, उनको नुकसान न दे पाई तो उसकी भी या रसूल अल्लाह फकत ये वजह है कि उनके सुल्ब में आपका नूर जगमगा रहा था। ये आज कोई नहीं कह रहा, ये आज किसी ने
ने इश्क के नाम पर कोई नया बाजार गर्म नहीं किया, बल्कि हजरत जाबिर और हजरत अब्बास ये फरमा रहे हैं, जो कि हदीस तकरीरी का दर्जा रखते हैं, हदीस तकरीरी का दर्जा रखते हैं। हजरत अब्दुल मुतलिब ने रसूलुल्लाह के मिलाद से पहले ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत दरख्त है, एक बहुत खूबसूरत दरख्त है, उसकी शाखें मशारिक व मगारिब में फैली हुई है, उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई है, ऐसा दरख्त है, ऐसा हसीन दरख्त है कि सारी मखलूक की नजरें उस दरख्त से हट ही नहीं रही, उस दरख्त पे जमी हुई है। हजरत अब्दुल मुतलिब ख्वाब देख रहे हैं कि उस दरख्त की जानिब जो भी मोहब्बत से जा रहा है वो दरख्त उसको माला माल कर रहा है, और जो भी उस दरख्त की दुश्मनी के लिए या उस दरख्त को नुकसान पहुंचाने के लिए उस दरख्त के करीब जा रहा है, गैबी एक कुव्वत आती है और उसको पाश पाश कर देती है, उसको पाश पाश कर देती है, उसको उस दरख्त के करीब नहीं जाने देती। हजरत अब्दुल मुतलिब सुबह उठते हैं, हजरत अब्दुल मुतलिब ने उस वक्त के जो सबसे बड़ा रहब था उससे सवाल किया कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। उसने ताबीर बताई कि अगर ये आपने जो ख्वाब देखा है वो सच्चा है तो ये उस चीज की बशारत है कि हर नबी और हर रसूल जिसकी आमद की खबर देता हुआ आया, जिसकी आमद की बशारत देता हुआ आया, वो नूर आपके सुल्फ में जगमगा रहा है, वो नूर आपके सुल्फ में जगमगा रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम के मिलाद की बेपनाह बरकतें हैं। अगर बनी इसराइल में एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, गुनाहगार शख्स था, गुनाहों की वजह से बनी इसराइल वाले उसको कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं, कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह के पास जाते हैं, अल्लाह फरमाता है जाए मूसा, बाकी कलाम बाद में होगा, पहले उसका जनाजा वहां से उठाए, उसको उसका जनाजा पढ़ाए, उसकी मैयत वहां से उठाकर जनाजा पढ़ाए, दफनाए, फिर वापस आए तो मैं कलाम करूंगा। हजरत अल्लाह के नबी ये अमल फरमाने के बाद जब वहां मखलूक के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं वो गुनाहगार कहां है, लोगों ने बताया हुजूर बहुत तो बहुत गुनाहगार था, हमने उसको हाथ लगाना पसंद नहीं किया, आप उसकी खातिर क्यों आ गए। आपने फरमाया कि मैं खुद नहीं आया, मुझे मेरे रब ने भेजा है, मुझे मेरे रब ने हुक्म फरमाया है। उसकी मैयत कहां है, उसकी मैयत को उठाया गया, उसके जनाजा पढ़ाया गया, अल्लाह के नबी ने उसको दफनाया, अल्लाह के पास वापस गए। जब उस मकाम पर गए जहां अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, अल्लाह करीम से सवाल किया कि या अल्लाह वो तो इतना गुनाहगार शख्स था, तूने उसके लिए मुझे क्यों भेजा। अल्लाह करीम ने फरमाया गुनाहगार था, आंखों पे लगा के मेरे हबीब पर सलाम भेजा था। अरे अगर कोई रसूलुल्लाह की मिलाद विलादत से पहले किसी और उम्मत का, किसी और नबी का उम्मती और वो भी गुनाहगार तरीन उम्मती मेरे नबी पर सलाम भेजे तो अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है, तो जो रसूलुल्लाह का उम्मती रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिल में बैठकर सरकार पर सलात व सलाम पड़ेगा उसका आलम क्या होगा। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। इंशाल्लाह कल इसी वक्त इसी चैनल AIQ TV पे बरकात मिलाद के एक नए मौजू के साथ आपके हाजिर खिदमत होंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह करीम आपका मेरा हम सबका हामी व नासिर। आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मर